नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयनंद है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक की वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड करी हुई है और इन फ्यूचर भी अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपकी ड्राइव कौन सी लगी है, चाहे आपका HDD हो या चाहे आपका SSD हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में कोई भी विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जाना है रन में, जैसा कि हमारा कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 है, तो हम यहाँ पे आप टाइप करेंगे रन। रन में आपको एक कमांड लिखनी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, DFRGUI। ये आप देख सकते हैं, ये वाली कमांड आपको रन में आपको टाइप करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओके पे क्लिक करना है। ये वाली मेनू खुलेगी और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर कौन सी ड्राइव लगी है। हमारे कंप्यूटर के अंदर HDD ड्राइव लगी हुई है। सिंपल सा तरीका है, आपको रन में जाएगी इस कमांड को टाइप करना और ओके पे क्लिक करना। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा, जिसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी जाते जाते आप लोगों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।